हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोगों? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो अभी मैं और क्यों रेडी, मैंने सोचा था आज मयंका बर्मन है तो उसके महिला संगीत की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज मैं शूट हो गया, छोटा सा मोहंदा की वीडियो का, कॉमेडी वीडियो का शूट है। तो आज जोशी जी के घर में नहीं है, आज कुछ नई लोकेशन है, कहाँ है वो आपको चल के दिखाएंगे। तो 10 बजे का हो रहा है टाइम, करेक्ट 10 बज रहे हैं, तो मैं जाती हूँ घर से, वो लोग भी पहुँचने वाले होंगे। वो और पूजा आ रहे हैं वहाँ से, और बाकी हल्द्वानी से शुभम भैया आएंगे और एक महिंदर दा आ रहे हैं जो हमारी पिछली वीडियो में भी थे। तो चल के दिखाते हैं आपको नई लोकेशन आज की, एक मंदिर में शूट है तो चल के दिखाते हैं आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। और वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन धूप लगने वाली है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कैब भी ले जा रही हूँ अपने साथ। मैंने कैब भी रखी हुई है तो, क्योंकि धूप लगेगी ना तो इससे फेस पे धूप नहीं लगेगी, तो इसको लेके चल रही हूँ अपने साथ। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग कैसा रहता है। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में और अभी हम लोग खा रहे हैं दही जलेबी, इन्होंने मंगाई है, पता नहीं कितनी मंगा रखी है, पाव भर मंगा रखी है, सारी ये खाने वाले हैं। और दही मंगाए हैं, दही खाने में लगे हैं केला के मसाला। हाँ, क्या आज से पूजा भी आई है? जैसे मिलाना भूल गई पूजा और मैं परसों के शूट के बाद आज मिल रहे हैं। तो अभी हम किसका वेट कर रहे हैं? शुभम भैया का। शुभम भैया आएंगे और महिंदर दा तो हमें करबला में ही मिलेंगे, तो हम लोग फिर जाएंगे। वहाँ से हम लोग जाएंगे एक जगह, कहाँ जाएंगे वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। पाव भर जलेबी कौन खाएगा इतनी ज़्यादा इतनी धूप में? तो अभी हम लोग जाने लगे हैं अपनी लोकेशन में, मैं, पूजा, शुभम भैया। और शुभम भैया से हाय। ये हमारे कैमरामैन हैं, ये हमारे रान, हमारे साथ रानखेत भी आए हुए थे, और वो मोहन भैया वो मोहन भैया चल रहे हैं आगे को। देखो हम लोग यहाँ से इंची को बंदर देख रहे हैं, एक एक टहनी पे बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ आप लोग को भी। ये देखो कैसे बैठे हैं, देखो ये बंदर पेड़ में। ये वैसे हम लोग कैंटेरिया वाले रास्ते से आए हैं क्योंकि इधर से शॉर्ट पड़ता है ना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं वो तो आप खुद ही देख लेना, और धूप इतनी तेज़ हो रही है तो इस वजह से मैंने कैब भी पहन ली, घर से भी पहन के आई थी मतलब मैं, क्योंकि गालों पर बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, लेकिन फिर भी लगी रही है। छाता तो मैंने रख ली थी बैग में, याद भी नहीं है मुझे अभी। तो अभी हम चार लोग जा रहे हैं सिर्फ, और इसके बाद हमें करबला पे मिलने वाले हैं महेंद्र दा। महेंद्र दा इससे पहले भी आए हैं हमारे साथ एक वीडियो में, तो वो भी आएंगे। और लगभग 12:30 हमको इधर ही पे बज गया है, और हमने लगभग कितने में, एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में हो जाएगी ना शूट? तीन घंटे में तो हो ही जाएगी, वैसे लगभग तीन घंटे में। हाँ, जैसे अगर बीच में बिगाड़ने वाले तो हो ही जाएगी, जो ये हंसती है ना बार बार। मैं नहीं हंसती हूँ, मैं दिख नहीं रहा उसमें। हाँ, तो लगभग 2 घंटे में तो हो ही जाएगी फिर। तो चल के महिंदर दा से मिलते हैं और फिर उसके बाद आपको शूट की लोकेशन दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने वाले रूट पे, ये है वो रास्ता जो मंदिर को जाता है। किसी ने देख, क्या यहाँ से रुझान आने शुरू हो गए हैं यहाँ? वैसे मैं कुछ नहीं कहती हूँ, देखो मुझे एक रास्ते में ये मिला, कितना मस्त लग रहा है। इसे बोलते हैं ठिठ, इसे कहते हैं ठिठ का बच्चा, ठीठे का बच्चा। तो हम यहाँ पे को महेंद्र दा का वेट करेंगे, फिर वो जब आएंगे तो हम लोग फिर ऊपर को जाएंगे। बाकी मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसको मैं अपने साथ घर को लेकर के जाऊंगी। ठीठे का बच्चा, ठीठे का बच्चा, तुमने क्या सोचा? बट अब यहाँ को रोड चलेगी, पहले नहीं थी। देखो दो रोड, ये वाली रोड पता नहीं कहाँ को गई, ये वाली रोड मंदिर को गई। फिर मैं कहना चाहता है, वैसे यहाँ सुनसान जगह है, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे ना आपको रास्ते से प्रेमी जोड़े मिलने से रहेंगे। रास्ते से ज्यादा प्रेमी जोड़ों का इलाका है, एक टाइम पर वैसे आया था यहाँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार वैसे ही आया था मैं, वैसे ही कैसे आए थे तुम? वैसे मतलब उस ब्लॉग बनाने जैसे मैंने कहा मंदिर के दर्शन में जय माता दी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, अब तो काफी कुछ बदल गया, अब तो काफी कुछ बदल गया है, रास्ते बदल गए, पेड़ बदल गए, इलाका बदल गया। हाँ, अब तो रोड चले गई, साथ बदल गए, साथ बदल गए, सब कुछ बदल गया है इधर। तो अभी अब महेंद्र दा का वेट करेंगे यहाँ पे को, बस अब यहीं पे को रुक जाएंगे, फिर वो डांटेंगे हमको, नहीं तो कहेंगे वो कहाँ से गए, कहाँ से कॉल आएगा ना उनका। आओ यहाँ पे महेंद्र दा का आगमन होते हुए विद पानी की बोतल और अखबार लेकर के आए हैं ताकि इनको बिच्छू ना लगे। ठीक से भी ठीक से वो यही से अल्ले जा रही लो, पानी ले आई मैं तुम्हारे लिए। अगर शिशुन नहीं मिला ना क्यों नहीं मिलेगा? सुबह जाऊंगा तो भूख लगेगी। शिशुन मिल जाएगा ना यहाँ कहीं? हाँ क्यों नहीं,
देख लो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा। हेलो दादा क्या हाल है, जगह में कहाँ सीजन होता है। मैं घर में लूट रही थी ना, केल बा मैं लूंगी। मेरे बैग में जगह भी दी थी कपड़े, हमने मोटी मोटे उसके कपड़े क्या बताऊं। तुम लूट रहे हो जहाँ से लूट रहे हो। मैं क्यों लूट रहा हूँ। लोग आ गए हैं फिर भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो, एक बज गया है। अभी एक अभी मैं सिसुन चाहिए, अभी हमने तैयार भी होना है ऊपर जा करके। चुप रहो तो, तुम मिल जाएगा यार यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर तो मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा यार, कहीं नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। नहीं जंगल में ऐसे सुबह नहीं होता ना यार, तुम्हें पता हुआ ना अब इस इलाके के बारे में ज्यादा थोड़ा। ये है मंदिर का मेन रास्ता, अभी यहाँ पर तक गाड़ी आने वाले तक का था, और ये वाला है मेन रास्ता मंदिर का। यहाँ से ऊपर चल के लगभग 1 या 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर लगभग है ऊपर को चल के, फिर मंदिर आएगा। पत्थर वाला रास्ता भी नया नया बना हुआ है, पहले ये वाला रास्ता भी नहीं था। ये देखो ये रास्ता भी नया नया बना है सारा, यहाँ से ये रास्ता, और चारों तरफ चीड़ के पेड़। इतना चलने के बाद मैं फाइनली मंदिर दिख गया ऊपर। देखो ये वाला रास्ता महिंद्र तो हाल ही में बना है शायद ना। हाँ ये पत्थर वाला रास्ता शायद हाल ही में बन रखा है। अभी यहाँ जा करके ड्रेस चेंज करनी है, आधा घंटे बाद लगभग स्टार्ट होगा हमारा शूट, आधे घंटे बाद। तो अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं डोली डाना मंदिर अल्मोड़ा में, और ये रहा वो मंदिर। ऊपर चल के दिखाएंगे मंदिर, बाकी चेंज भी करनी है, ड्रेस भी चेंज करनी है। और मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा फील्ड भी है, वहाँ गेम्स वगैरह भी होते हैं, खेलते हैं मतलब बच्चे, बाकी पता नहीं वैसे नहीं होते मतलब, तो बस खेलते हैं। और यहाँ पे साइड साइड में ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के कोने कोने में माँ लिखा हुआ, मतलब हर पत्थर में माँ करके लिखा है कि माता का मंदिर है ना, तो इसलिए। तो अब हम लोग चलते हैं, और धूप इतनी हो रही है मेरे गाल लाल हो गए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके गाल रेड रहते हैं, सब धूप का कमाल है सारा। और हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे कि ये भी उड़ रही है, तो इस वजह से मैंने हाथ ही में पकड़ लिया इसको। बाकी ऊपर चल के मंदिर दिखाते हैं आपको। पवित्र स्थान, कृपया मर्यादा का ध्यान रखें। यह है मुख्य द्वार मंदिर का, डोली डाना मंदिर का, और सबके हालत यहाँ पे को खराब। पूजा का मुँह इनका, महिंदा का, ये देखो महिंदा दा का घर नज़दीक है, तो अभी वो अभी भी खिलखिला रहे हैं क्योंकि इनका घर नज़दीक है ना। है मेरे लिए, उसके लिए, या हमारे बच्चे के लिए। चलो अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आ जाओ दादा, आप कैब दे देना मुझे आप ऊपर। ये है मंदिर, जय माता की। ये है मंदिर, बस ये मंदिर इतने में ही है, इतने एरिया में ही है, यहाँ पे से यहाँ पर तक का पूरा एरिया ये है मंदिर का। शूट कहाँ पे करेंगे हम, टिपाई में? इनके टिपाई में होने वाला है शूट। तो फिलहाल अभी हम ड्रेस चेंज करने का देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉग मॉडल क्या मैं समझ आता हूँ, तभी तो ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग मॉडल लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा मूड होया, और मैं आज सुबह में जैसे मैं सीसी में देखती हूँ। हाँ हाँ, ये बात ये ना सुनो, ये बात जो है आप इनके पुराने वाले ब्लॉग देखना, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने नए ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिया। मैं बना रहा हूँ तो ऐसा है, लोग देखते हैं, तो अभी मैंने मूड होया, और सुबह सुबह पता है मैं सुबह सुबह शीशा देख रही थी, एक फोन सी मिली मुझे, तो मैंने जैसी दवाई ना थोड़ा सा निकला, थोड़ा बच्चा भी शाम को जाकर हमने पहन लिया स्कूल की ड्रेस, और हम लोग अब लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं महिंद्र दा। आज हम सब स्टूडेंट बने हुए हैं, महिंद्र दा तो छोटे छोटे हैं, वो लग भी रहे हैं बच्चे जैसे, देखो तू भी लग रहा है मानो कसम से। मैं तो लगती हूँ क्या, मैंने परसों बीच में भी एक बार स्कूल गया, आज ये वाली ड्रेस मैंने ब्लू वाली पहली बार पहनी, क्योंकि जो हमारे स्कूल की ड्रेस थी वो ग्रीन और वाइट कलर की थी। पढ़ाऊ ना, मुझे वैसे ही फील आ रहा है। तो अच्छा आप, अच्छा तो आपकी ड्रेस, अच्छा आपने तो बहुत पहले से पढ़ लिया होगा, उनको तो काफ़ी साल हो गए पढ़े महिंद्र दा को। और घने जंगलों के बीच में आज शूट करने वाले हैं, बाकी पूजा ने भी पहनी है, पूजा की तो उसकी स्कूल की ड्रेस होगी, पूजा की यही वाली ड्रेस होती थी। आज मैंने पहली बार, मैंने किसी नीचे बीएड वाली दीदी से मांगी हुई है ये ड्रेस, पता है आपको, मैंने मतलब मैंने ये वाली नहीं होती है ना हमारी, तो
ये ड्रेस हमें मिल रही है। बाकी अब हम लोकेशन देखने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे कुछ शूट करते हैं। फटाफट करना है, दो घंटे में हमने पैसे हमको दे रहे हुए। देखो क्या सुंदर लोकेशन है यहाँ की, यहाँ से तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में चारों तरफ। ये देखो हाँ, रास्ते रास्ते में मुझे शूट भी मिल जा रहे हैं देखो इसके अंदर से, ठीक है अंदर से, क्योंकि आजकल धूप हो रही है तो इसमें चटक रहे हैं ना, तो इसके अंदर से शूट निकलते हैं। हैं एक दो देख लो, निकालो मेरे को भी देना। वहीं बैठे ना, देखो आप पूरे शूट पर दाम खाने में थे। ये शूट हमारा कंप्लीट हो गया है, हम लोग बैग लेके जा रहे हैं वापस ऊपर चेंज करने के लिए। और ये मेरे को एक भी रील नहीं बनाने दे रहा है, उसमें से मुझे सुनाने में लगे हैं जब से मैं आई हूँ। रील वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा ऐसी है, रील वाला बनाता हूँ मैं अब। कौन सा वाला है? रील वाला बनाते हैं यार, एक भी रील नहीं बनाने दी उन्होंने मुझे उस समय से। कौन खा रहा है आड़ू? मैं। पानी जरा मांगा, बुला ला देना आड़ू। मुझे खाने दे, मुझे मत घर जाके लेना। और यहाँ पता है ये चीड़ के पेड़ों के शोध गिरा है ना, तो हम लोग आधे शूट में हमने शूती शूट खाए हैं। शूट तो करा नहीं, शूती शूट खाए हैं, अच्छे हो रहे थे यार। ये देखो और गिरे, कितने सारे गिरे हुए दिख रहे, सुन लग रहा है इनको देखने का तो नहीं को देखे रहा। तो हमारा शूट हो गया, हम लोग आ गए हैं वापस, देखो जाने लग गए हैं। ये पीछे बोलने वाली बीमारी है, तो अब हम सोच रहे हैं पहले करबला में कुछ खा ले, क्योंकि जो दादा है यहाँ से दोबारा खोला को जाएंगे महेंद्र दा। दादा तो कैसा लगा आपको आज का हमारा शूट, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, जैसा कि ऐसी में पड़ा था वही ड्रेस पहना दी फिर से इन लोगों ने, तो ऐसा लग रहा था कि स्कूल वाले दिन याद आ रहे थे ना, थोड़ा कॉमेडी हो रही थी, मसा मार रहे थे, मार हार खाने के आ रहे थे मेरे सीन में से। तो मेरी आज ये पहली कॉमेडी वीडियो है मेरे ख्याल से, तो आएगी तो देखना। हाँ मैंने अभी तक सारी तीन या चार करी और बॉलीवुड की तीन चार पिक्चरें कर चुके हैं भावना जी, तो आप इनकी कॉमेडी वीडियो जरूर देखिएगा। अभी पिक्चर रिलीज होने में टाइम है, पिक्चर रिलीज होने में है अभी टाइम, तो अभी जो है क्योंकि काफी जो भी मूवी करते हैं वो रिलीज नहीं होती, पता नहीं क्या बात है। सब गुम हो जाती है, तो यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चल रही है, शायद ज्यादा से ज्यादा हवा की आवाज भी आ रही होगी। एक साथ सब मूवी रिलीज होंगी, एक साथ होंगी, सारा धमाका, सीधे स्टार बन के सीधे मुंबई ही मिलेंगे हम आपको, मुंबई से ब्लॉग आएगा। तो आज हमें मुंबई में मुंबई यहाँ आएगा, हाँ। तो अब हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और घर वैसे अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी तो मयंक के वो जो वहाँ जो महिला संगीत है वहाँ भी चले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं गया है। नहीं मम्मी गई है वैसे निमंत्रण मानने के लिए, लेकिन डांस करने के लिए मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है, मेरे बिना डांस नहीं होता वहाँ किसी से। और वहाँ गाने डांस के लिए मई लगा पहुँच गए हम लोग आधे रास्ते में देखो, और बारिश का मौसम हो गया बहुत भयंकर वाला, और आज छः तो इनको इधर ही बज गए हैं, तो पता नहीं कितने बजे तक तो ये लोग घर पहुँचने वाले हैं। अभी कह रहे थे अभी गड़ी दाखिल लाने में मोमो भी खाएंगे, लेकिन वो थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात हो गई। लेकिन खा लेते अगर टाइम होता तो, अभी तो फिलहाल बहुत बड़ा टास्क घर पहुंचने का ही, मुझे घर पहुंच के महिला संगीत में भी जाना है। कन्नू दाओ उधर बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो और बारिश भी लगने लग गई। लो ये बैग भी रखो यार, बारिश की स्टार्टिंग भी हो गई और मौसम देखो कैसा हो गया, परसों वाला ही हो गया है, गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा थकान लग गई, और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं दौड़ते दौड़ते आई क्योंकि आज तूफान भी हो रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और मैं घर पहुँच गई हूँ, नीचे जाने का होता है, देखती हूँ कैसा होता है, जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ नीचे, क्योंकि यार महिला संगीत है ना महंगा, तो एक चक्कर तो जाना पड़ेगा, नहीं तो आंटी बोलेगी नहीं आई करके। तो फिलहाल कर लेते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, होप आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मम्मी रास्ता में गिर गई, फोन नहीं गिरना चाहिए, मैं गिर जाऊं।